ये समझने के लिए कि चश्मे ना पहनने से क्या इफेक्ट आता है आपके आंखों में, डॉक्टर ऋषि राज बोरा का यह कहना है, अगर आप रोकेंगे टू वेयर स्पेक्टिकल्स विदाउट एन ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट्स रिकमेंडेशन, तो इसकी वजह से आपको कई इश्यूज हो सकते हैं जो इफेक्ट करता है आपके विजन को और ओवरऑल कंफर्ट को। ग्लासेस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर्स, जैसे कि मायोपिया हो गया, हाइपोमेट्रोपिया हो गया और एस्टिगमैटिज्म हो गया। इसके बिना आपकी जो विजुअल क्लैरिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज रहती है, जो इम्पैक्ट करता है आपके एवरीडे एक्टिविटीज़ को, जैसे कि रीडिंग, ड्राइविंग या यूजिंग डिजिटल डिवाइसेज। अब हम बात करेंगे कुछ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में ऑफ डिसकंटिन्यूइंग द यूज़ ऑफ स्पेक्टिकल्स विदाउट मेडिकल एडवाइस। सबसे पहले आता है ब्लर्ड विजन। वन ऑफ द मोस्ट इमीडिएट और ऑब्वियस इफेक्ट्स जो होते हैं ऑफ नॉट वेयरिंग योर ग्लासेस इज ब्लर्ड विजन। क्लैरिटी ऑफ योर साइट जो होती है वो डिपेंड करती है ऑन द सिवियरिटी ऑफ योर रिफ्रैक्टिव एरर। अगर आपको मायोपिया है फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्जेक्ट्स जो दूर दिखाई देते हैं उसकी वजह से वो ब्लरी या फजी दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये टफ हो जाता है आपके लिए टू रिकग्नाइज फेसेस या इवन रीड साइंस या इवन ड्राइव सेफली। जिनको हाइपोमेट्रोपिया है वो फोकस नहीं कर पाते ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट, जैसे कि बुक हो गया या कंप्यूटर स्क्रीन हो गया, जो कि एक चैलेंज बन जाता है। डॉक्टर बोरा का ये कहना है कि टास्क जैसे कि रीडिंग, ड्राइविंग और रिकग्नाइजिंग फेसेस फ्रॉम द डिस्टेंस डिफिकल्ट हो जाता है व्हेन यू स्टॉप यूजिंग करेक्टिव लेंसेज एज योर आईज आर अनेबल टू फोकस प्रॉपरली ऑन इमेजेस। दूसरा आता है आई स्ट्रेन। अब विदाउट करेक्टिव लेंसेज आपकी जो आईज है उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है टू फोकस, लीडिंग टू आई स्ट्रेन। इसके सिम्टम्स में इंक्लूड होते हैं टायर्ड आईज, डिस्कम्फर्ट एंड अ सेंस ऑफ फटीग, जो पर्टिकुलरली आफ्टर फोकसिंग ऑन समथिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद होता है। आई स्ट्रेन जो है वो पर्टिकुलरली नोटिसेबल होता है आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि रीडिंग हो गया या यूजिंग अ कंप्यूटर या वॉचिंग टेलीविजन। अब हम तीसरे पे आते हैं, जो है फ्रीक्वेंट हेडेक्स। आई स्ट्रेन जो है वो एकम्पनीड रहता है बाय हेडेक्स। अगर आप स्क्विंट कर रहे हैं, अपने आईज को स्ट्रेन कर रहे हैं टू सी क्लियरली, तो ये एडिशनल प्रेशर पुट करता है ऑन द मसल्स अराउंड योर आईज एंड हेड, लीडिंग टू फ्रीक्वेंट हेडेक्स। डॉक्टर बोरा ने हाईलाइट किया है इस इशू को और कहा है कि स्ट्रेनिंग टू सी क्लियरली कैन लीड टू हेडेक्स ऑफन फेल्ट अराउंड द फोरहेड एरिया, the temple area and even behind the eyes. उसके बाद चौथा आता है reduced focus and productivity. Blurry vision की वजह से harder रहता है to concentrate, especially जब आप perform कर रहे होते हैं visually demanding tasks जैसे कि reading, writing और even using the computer. According to Dr. Bora, ये lead करता है to quicker onset of fatigue, especially during work or study. पांचवा और ये बहुत ही important है, the increased risk of accidents. Dr. Bora ने point out किया है कि poor vision, especially when performing tasks जैसे कि driving या navigating unfamiliar areas, increase करता है the risk of accidents या injuries, जो compromise करता है safety के साथ. Being unable to see clearly can lead to dangerous situations both for yourself and others around you.